हे गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दिखाने के लिए आए हैं बहुत ही ऐतिहासिक जगह जो हमारे राजमहल साहेबगंज जिला और झारखंड पे स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे कितना सुंदर सा नजारा है। और ये हम लोग आए हुए एक माइंस की स्पेशलिटी बताऊं तो इस माइंस पर निकाला जाता है सफेद बालू, जो बहुत ही कीमती बालू है। और इस बालू का यूज हमारे चीना मिट्टी का बर्तन बनाने के काम में आता है, जो हम लोग चाय पीने में यूज करते हैं कप, उसको बनाने के काम में आता है। जो बर्तन बनते हैं चीना मिट्टी के और बहुत बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सजावट के सामान जो बनते हैं चीना मिट्टी की, वो इसी बालू से ही बनता है। और इस बालू से आपको लोहे का भी सामान बनाया जाता है, इसमें लोहा भी मिक्स है इस बालू पर। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को और भी अच्छी से जानकारी दूंगा। ये जो खूबसूरत स्थान बन गया है, ये चाइना किले को निकालने की वजह से बन गया है, यानी कि सफेद बालू, जिसे मैंने सफेद बालू कह रहा था उसका और एक नाम है चाइना किले। चाइना किले के नाम से ज्यादा फेमस है और चाइना किले बहुत ही ज्यादा महंगा है, मतलब बोले तो बहुत ज्यादा महंगा है। चाइना किले को यहाँ से निकालने के दौरान यहाँ पर इस तरह का, इस प्रकार का इतना सुंदर सा नज़ारा बन गया है, एकदम अमेजिंग सा नज़ारा है, जिसके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। ये तो मेरे कैमरे पे इस तरह दिख रहा है, अगर आप यहाँ रियल में आएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। ये इतना सुंदर सा नज़ारा है, तो आप इस सुंदर से नज़ारे को इंजॉय कीजिए। जा रहे हैं नीचे, जाके देखते हैं कि नीचे से कैसा नजारा है इस जगह का। फिलहाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सिर्फ बालू ही बालू है, और आपको वीडियो पर अगर देखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किसी गांव का, एक छोटे से शहर का ये वीडियो हो सकता है। आप अगर जरा देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म का सीन देख रहे हैं या फिर कहीं हम लोग बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए गए हुए हैं। चलिए नीचे जाके देखते हैं इस जगह के बारे में और भी मस्त मस्त चीजें। हेलो गाइस, हमारा हैंड जरा सेकी हो रहा है क्योंकि यहाँ की ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पर मैं आप लोगों को पूरा पूरा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कश्मीर में आया हुआ हूँ जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ बालू ही बालू है। और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर नज़ारा है हमारे पीछे, और हमारे कुछ साथी जो मैंने पहले ही बताया वीडियो के माध्यम से खड़े हैं, तो चलिए उनके पास चलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ हम नीचे आ गए हैं, लगभग 30-40 फीट नीचे हैं और यहाँ पर नीचे बालू है, यहाँ से पानी बह रहा है जिसमें कि हमारा दोस्त का पैर हल्का फंस चुका है और हमारे दोस्त यहाँ पर सेल्फी सेल्फी खेल रहे हैं। इतना सुंदर नजारा है, तो सब यहाँ पर अपने मोबाइल लेकर कर यहाँ पर सेल्फी और अपने फोटो का पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए वाइट बालू है, जिसे मैंने चाइना किले के नाम से बताया आप लोगों को, इसका रियल नाम चाइना किले ही है। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा खोद के इस बालू को ट्रक पे लोड करके ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे ट्रक के दाग भी आपको दिख रहे होंगे और ये जेसीबी के चक्कों के दाग भी दिख रहे होंगे। और इस जमीन से हमेशा पानी निकलते रहती है क्योंकि ये 30-40 फीट नीचे है, जैसे कि मैंने अभी बताया था पहले आपको। तो उसके वजह से यहाँ पर हमेशा एक पाइप के द्वारा इस पानी को बाहर निकाला जाता है, जो पाइप हमारे वीडियो पर अभी आपको दिख जाएगा। और ये देखिए वो है सामने हमारा पाइप जो दिख रहा है लंबा सा, वो पाइप इसी पाइप के द्वारा ये हमेशा 2400 घंटा चलता रहता है पानी, जिसे बाहर फेंका जाता है।